पे तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के त्रावड़ी नेशनल हाईवे पर जो है एक कबाड़ी की दुकान है, जहां पर आप देख सकते हैं गोदाम में काफी भयंकर आग लग जाती है। दूर दूर से आग की लपटें देखी जा रही थी और आप देख सकते हैं दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग अभी भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फैलती हुई नजर जरूर आ रही है। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर धुएं का गुबार कई कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, क्योंकि आग काफी भयंकर लगी हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दमकल विभाग की, जो तमाम गाड़ियां हैं वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है और काफी भयंकर आग जो है एक कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है खाली प्लॉट में, वहां पर आप देख सकते हैं काफी भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई और इस लगी आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। दमकल विभाग की काफी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है, कई कई किलोमीटर दूर से धुएं का जो गुबार है वो देखा जा सकता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भयंकर आग जो है अभी भी लगती हुई नजर आ रही है, किस तरह से लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही है ताकि इस लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग आप भी देख सकते हैं पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं और काफी भयंकर आग जो है यहाँ पर लग गई थी। कबाड़ी का गोदाम बताया जा रहा है जहां पर ये भयंकर आग लगी है, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंची हुई है, आसपास के जो लोग हैं आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है नेशनल हाईवे पर, जहां पर काफी भयंकर आग लगी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी लोगों का नंबर देके वीडियो ले लें। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं काफी भयंकर आग लगी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, काफी भयंकर आग जो है यहां पर लगी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पेड़ भी काफी जलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और इस लगी आग पर काबू पाए जाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन आग अभी भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन पानी के बौछारें लगातार यहाँ पर मारी जा रही है। काफी गंदा धुआं देखा जा सकता है क्योंकि कबाड़ का गोदाम है जहां पर काफी भयंकर आग लग गई थी। आसपास के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह से छतों पर चढ़े हुए हैं और काफी ज्यादा भयंकर आग जो है नेशनल हाईवे करनाल पर, ये जो है एक तरावड़ी के पास एक गोदाम बताया जा रहा है जहां पर काफी भयंकर आग लग जाती है, जिसके बाद आसपास के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस लगी आग पर जो है आप देख सकते हैं काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लगातार दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, काफी भयंकर आग जो है लगी हुई है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं कई कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आसपास के तमाम लोग हैं, इस समय बताएं कितने बजे भैया आग लगी, कब देखी थी आपने ये? अभी देखी थी, 10 मिनट पहले आग लगी। तो ये कोई कबाड़ का गोदाम है? हाँ जी, कबाड़ का, ये दिखा मैंने, तरावड़ी के पास है। काफी ज्यादा आग लगी थी? हाँ जी, काफी ज्यादा लग रही थी। तो काफी गाड़ियां पहुंची हुई है? अभी भी नहीं बुझी आग? नहीं, अभी भी नहीं बुझी, अभी लगेगा टाइम 5-10 मिनट बुझ जाएगी। तुम मत मत कितना ले कर बात दमकल विभाग की काफी गाड़ियां मौके पर पहुंची है और इस लगी आग पर काबू पाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार काफी दूर दूर तक देखा जा सकता है, काफी भयंकर आग जो है तरावड़ी के पास एक कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है, वहां पर काफी भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस आग पर काबू पाए जाने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। काफी भयंकर आग जो है तरावड़ी के पास एक कबाड़ का गोदाम है उस पर लग चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जैसे ही तरावड़ी फायर भी कभी गाड़ियों को जानकारी देखिए, जिस हिसाब से काफी भयंकर आग लग चुकी है, देख सकते हैं जब तक काफी तकरीबन 3 गाड़ियां 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आग का काबू पाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग अभी काफी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं, सामने कबाड़ का गोदाम है खाली प्लॉट में, काफी भयंकर आग लग गई, 2 से 3 मिनट जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, प्लास्टिक और काफी बोतलें यहाँ पर खड़ी होती है और सारा कुछ जलकर जो है खाक हो चुका है। आप
पे अभी भी आपको सामने नजर आ रही होगी और लगातार दमकल विभाग की जो तमाम टीमें हैं लगातार इस आग पर काबू पाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग कैसी नजर आ रही है जिसकी लाइव तस्वीर तमाम देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के नेशनल हाईवे पर त्रावड़ी के पास त्रावड़ी के गोदाम में काफी भयंकर आग लगी है जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें वीडियो को जरूर शेयर करें। देख सकते हैं दमकल विभाग की काफी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और काफी भयंकर आग जो है इस कबाड़ के गोदाम में लग जाती है जिसके बाद फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और इस लगी आग को काबू पाए जाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार कई कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था क्योंकि काफी भयंकर आग कबाड़ के गोदाम में लगी जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय त्रावड़ी के नेशनल हाईवे से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर करें। तमाम दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नेशनल हाईवे करनाल से त्रावड़ी के पास से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में काफी भयंकर आग लग गई जिसके बाद दमकल विभाग की जो टीमें लगातार आग को काबू पाने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिटा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कबाड़ के गोदाम में किस तरह से अभी भी आग फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दमकल विभाग की जो टीमें हैं लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार करती हुई नजर आ रही है जिसकी लाइव तस्वीरें समय त्रावड़ी के पास जो कबाड़ का गोदाम है वहां से आप देख सकते हैं लगातार आग पर काबू हालांकि काफी हद तक पा लिया गया लेकिन धुएं का गुबार काफी हद तक देखा जा सकता है। लगातार आग फैलती हुई जरूर नजर आ रही है क्योंकि कबाड़ का गोदाम है प्लास्टिक है जिसमें काफी भयंकर आग जो है यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के नेशनल हाईवे पर त्रावड़ी के पास से आप इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई और इस लगी आग पर काबू हालांकि काफी हद तक पा लिया गया है लेकिन प्लास्टिक है और वेस्ट मटेरियल है जिसमें आग अभी भी काफी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के त्रावड़ी के पास से समय आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और लगातार इस आग को काबू पाए जाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। त्रावड़ी के पास नेशनल हाईवे पर आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कबाड़ के गोदाम में काफी भयंकर आग लग चुकी है जिसको बुझाने की कोशिशें लगातार पिछले 1 से 1.5 घंटे से की जा रही है। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।